राम राम साहब, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूंगफली के लड्डू, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं, और हर कोई बच्चे और खा लेते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ मूंगफली के लड्डू। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब मैंने लिए साबती मूंगफली, इनमें से पहले गोटे निकाल लेते हैं। गोटे मैंने सारे निकाल लिए। अब मैंने एक लिए कढ़ाई, कढ़ाई में गोटों को सेक लेते हैं। गोटों को उसी प्रकार से सेकना है जो खाने के लिए सेकते हैं मूंगफली, और इनके ऊपर से छिलके उतरने शुरू हो जाएं, थोड़े थोड़े ऐसे लगे कि कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा आगे। इनके अंदर कुर्सी घुमाते हुए रहना है, क्योंकि एक तरफ से गोटे जल जाएंगे और एक तरफ से सीखेंगे नहीं। गोटे ये देखो सीख के तैयार हो गए हैं। गैस को कर देते हैं बंद। गोटों के ऊपर से छिलके उतर रहे हैं, तो ये गोटे सीख के तैयार हो गए। गोटे मैंने एक बर्तन में निकाल लिए हैं, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ठंडा होने के बाद में ये देखो छिलके उतर रहे हैं आराम से। ये छिलके मैंने सारे उतार के तैयार कर लिए हैं। अब इनके मिक्सी में गोटों को पीस लेंगे पहले। गोटों को पीस कर मैंने बुरादा बना लिया दरदरा। 1 किलो गोटे के साथ में, 1 किलो मैंने गोटा लिया है, उनके साथ में आधा किलो गुड़ लिया, यानी 500 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। इनको चक्कू की सहायता से एकदम महीन काट लेते हैं, जैसे हम गुड़ को कद्दूकस करते हैं उसी प्रकार से कर लेते हैं गुड़ को। गोटों के साथ में मिलाने में आसानी होगी। गुड़ को गर्म नहीं करना है, इसलिए इनको एकदम महीन काट लेना है चक्कू से। आप चाहे तो मिक्सी से इनको पीस सकते हैं गोटों के साथ में। मैंने मिक्सी से नहीं पीसा है, हाथ से इनका कद्दूकस करके मिला रही हूँ। गुड़ को मैंने सारे को कद्दूकस कर लिया एकदम। ये देखो एकदम महीम महीम कर लिया है। अब पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 3 4 मिनट के लिए मैंने तेल घी लिया है। घी को थोड़ा हल्का गरम कर लेते हैं। अब इसमें जो गोटे हमने पीस के रखे थे बुरादा, ये घी के अंदर मिला लेते हैं। इनको ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि भुने हुए तो पहले से हैं गोटे। थोड़ा थोड़ा घी में इसको बरबरा कर ले, थोड़ा सा गर्म करना है एकदम, क्योंकि थोड़े गोटे गर्म हो जाएंगे तो गुड़ आसानी से मिल जाएंगे और लड्डू बनाने में भी आसानी होगी। और आपको गर्म नहीं करना है तो आप गुड़ मिक्सी से पीस लें। मैंने थोड़े गोटे को गर्म करके, बुरादे को थोड़ा गर्म करके ही गुड़ मिलाया है इनके साथ में।
घी सारा गोटों के साथ में मिल गया। गैस को बंद कर देते हैं और गुड़ है ये साथ में मिला लेते हैं। थोड़े गोटे गर्म है तो गुड़ मिलने में एकदम आसानी होगी, गुड़ थोड़ा नरम हो जाएगा। गुड़ को गैस की सहायता से नहीं मिलाना है, गैस नहीं जलाना है, गुड़ डालने के बाद में हाथ से मिला लेते हैं गुड़ को। गुड़ को मैंने सारा एकदम मिला लिया है, ये देखो मिक्स कर लिया है। अब इनके बांध लेते हैं लड्डू। ये देखो आसानी से बंध रहे हैं इनके लड्डू, क्योंकि थोड़ा गर्म था मसाला तो उनके साथ में गुड़ भी थोड़ा नरम हो गया। मैंने मूंगफली के लड्डू बना के तैयार कर लिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। राम राम सा, थैंक यू।